पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में कहा कि केंद्र की सरकार ने महंगाई की वजह से देश की जनता को बेहाल कर दिया है। डीजल तथा पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और लगातार हर रोज बढ़ती जा रही हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने सबसे अधिक 24% बस किराया वृद्धि करके प्रदेश की जनता पर अधिक बोझ डाला है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि हम बसों के किराए में बढ़ोतरी नहीं करेंगे और पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले वैट को कम करेंगे, लेकिन प्रदेश सरकार ने वैट तो घटाया नहीं, उल्टा बस किराए में बढ़ोतरी कर दी है। कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है, वहीं पर मुख्यमंत्री के आदेशों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा न्यूनतम किराया मात्र 3 रूपये निर्धारित किया गया था, लेकिन भाजपा ने उसे दुगना कर 6 रूपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में चाहे राष्ट्रीय मार्गों की बात हो या फिर ग्रामीण सड़कों की, सभी की हालत दयनीय है। सड़कों की दयनीय हालत के कारण हर रोज कोई न कोई दुर्घटना हो रही है, वहीं वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि सड़कों की हालत के चलते उनके वाहनों के कलपुर्जे भी टूट रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वे सड़क पर गड्ढों को तुरंत भरे, यदि वे इस कार्य को नहीं कर पाते हैं तो सरकार त्याग पत्र दे। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की शिमला में बैठक ली थी, जिसमें प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों तथा मुख्य ग्रामीण सड़कों की दशा को 1 सप्ताह में ठीक करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 1 माह बीत जाने के बावजूद सड़कों की दशा नहीं सुधारी गई है। प्रदेश में हिमाचल की जनता में बहुत आक्रोश है, जनता परेशान है क्योंकि हिमाचल बनने के बाद पहली बार हुआ है जब जयराम सरकार जी ने 24% कट्ठे बढ़ाया है। कभी हर बार होता था ज्यादा 5 साल में 10% किराया बढ़ता था, इन्हें 24% किराया बढ़ा करके हिमाचल की जनता पर एक बहुत बड़ा बोझ डाला है, ये प्राइवेट बस ऑपरेटर को कुछ करने के लिए। उसके साथ ही जो मिनिमम किराया हमने निर्धारित किया था 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में, वो सिर्फ 3 रूपये था। उन्होंने इस किराया को मिनिमम किराया को बढ़ा करके जो है वो 6 रूपये कर दिया। जिसने 8 किलोमीटर जाना वो 6 रूपये देगा, 1 किलोमीटर जाना वो 6 किलोमीटर देगा, 2 किलोमीटर जाना वो 6 रूपये देगा। एक बहुत बड़ा अन्याय जो है ये जयराम सरकार जी ने हिमाचल की जनता पर किया है, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस जो है बढ़े हुए किराए को शीघ्र अति शीघ्र जो है वापस लें, वरना कांग्रेस पार्टी जो है प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगी इस बढ़े हुए किराए के अपने। और विकास की बातें करते हैं लेकिन विकास सड़कों पर नजर आता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत दयनीय है, सड़कों में गड्ढे पड़े हैं, चाहे नेशनल हाईवे है, चाहे स्टेट हाईवे है, चाहे ग्रामीण की सड़कें हैं, दयनीय स्थिति जो है इन सड़कों की हुई है। और मुख्यमंत्री जी बार बार अधिकारियों को आदेश देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो है इन सड़कों के गड्ढे भरे जाए, पैच वर्क किया जाए, लेकिन उनके आदेशों की पालना हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है और इस वजह से कई मोटरसाइकिल वाले गिरे। पीछे पंजाब के जो है सुंदरनगर के पास तो मोटरसाइकिल वाले गड़े में मोटरसाइकिल फंसा, गिरे और दोनों की मृत्यु। इस तरह से लोग बहुत परेशान हैं, जिनकी छोटी गाड़ियां परेशान हैं, बड़े ट्रक जो लदे हुए ट्रक है उनके पट्टे टूट रहे हैं। इस सरकार को कोई परवाह नहीं है।